गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी, आप कैसे हैं? अगर गुरु जी से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, 98072553। व्हाट्सएप नंबर 98072553। आज के वीडियो में हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन की घंटी बजा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण। 30 सितंबर सोमवार 2024 आज का पंचांग श्री सुख संवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, अश्विनी मास, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि शाम को 6:55 तक रहेगी, तदुपरांत चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। मगा नक्षत्र प्रातः 7:50 तक रहेगा, तदुपरांत पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। शुभ योग रात्रि 3:16 तक रहेगा, तदुपरांत शुक्ल योग आरंभ होगा। गर करण प्रातः 6:23 तक, वणिज्य करण सायंकाल 6:55 तक। दिशा सूर्य पूर्व दिशा, आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है, परिहार दर्पण। अगर जो है यात्रा से पहले दर्पण देख कर यात्रा आरंभ करते तो आपकी यात्रा की शुभता बढ़ जाती है। सूर्योदय प्रातः 6:05 पर है, सूर्यास्त सायंकाल 5:55 पर होगा। सूर्य कन्या राशि में, चंद्रमा सिंह राशि, चंद्रमास पूरब दिशा। कहने करती है आज पूरब दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 तक, गुलिक काल 1:30 से 3 तक, यमगंड काल प्रातः 10:30 से 12 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में कदापि न करें। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं तो आप गुलिक काल में कार्य स्टार्ट करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में काम करिएगा तो आपको सफलता मिलने के योग बढ़ जाते हैं। ये हमारा 40 साल का अनुभव है, ये जो है फार्मूला अभी तक कहीं फेल नहीं हुआ। तो अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर जानकारी देने जा रहे हैं। इसके पहले ये हम बता दें, व्रत त्योहार में आज मास शिवरात्रि का व्रत रहेगा, इसके अलावा त्रयोदशी श्राद्ध भी हो गया। तो काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 से होती है, इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की शुरुआत भी शाम 6 से होती है। और आज दिन सोमवार अमृत काल से जो है दिन की शुरुआत हो रही है, तो अमृत काल का बाल 6 से शुरू हो रहा है। बाल 6 से 6:48 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 6:48 से 7:30 तक किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय रहेगा। इसके बाद महेंद्र काल आ गया। महेंद्र काल जो है का बाल जो है स्टार्ट हो रहा है 9:12 से 9:36 तक, ये किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। युवा 9:36 से
10 बजे तक प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय होगा। प्रौढ़ 10 बजे से 10:24 तक रहेगा, ये किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 10:24 से 10:48 तक रहेगा, प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। अमृत काल जो है 1:12 से शुरू हो रहा और 1:48 तक रहेगा, ये प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 1:36 से 2 बजे तक किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 2 बजे से 2:24 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समान समय है। वृद्ध 2:24 से 2:48 तक प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। इसके बाद महेंद्र काल रिपीट किया। महेंद्र काल का जो बाल स्टार्ट हो रहा 3:36 से 4:12 तक रहेगा, यह किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। युवा जो है 4:12 से शुरू होगा और 4:48 तक रहेगा, यह प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक है। इसके बाद प्रौढ़ा जो है 4:48 से 5:24 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 5:24 से शुरू होगा, 6 बजे तक रहेगा, ये प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आज की जो है काल निर्णय के आधार पर रात्रि के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अमृत काल से स्टार्टिंग है, बाल 8:24 से 9:12 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9:12 से 10 बजे तक रहेगा, ये किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 10 बजे से शुरू होकर 10:48 तक रहेगा, ये प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 10:48 से 11:36 तक रहेगा, ये प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। फिर आगे चल के अमृत काल रिपीट किया। ये बाल जो है 2 बजे से शुरू होकर 2:24 तक रहेगा, ये प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा जो है 2:24 से शुरू होगा और 2:48 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 2 बजे से शुरू होगा, 3:12 तक रहेगा, प्रत्येक कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 3:12 से शुरू होगा, 3:36 तक रहेगा, प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये है काल निर्णय के आधार पर आज के शुभ मुहूर्त की जानकारी रात और दिन की। अब हम आपको फिर बात अपनी रिपीट कर देते हैं। काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है, इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात्रि की शुरुआत भी सायंकाल 6 बजे से होती है। अब काल निर्णय में बार बार 2 शब्द यूज हो रहे हैं, महेंद्र काल अमृत काल, ये है क्या? तो भाई महेंद्र काल अमृत काल, काल निर्णय के आधार पर ये शुभ मुहूर्त का नाम है। अमृत काल भी शुभ मुहूर्त में है और महेंद्र काल भी शुभ मुहूर्त में। अब इसमें अंतर क्या है? देखिए, नंबर 1 पे, फर्स्ट नंबर पे महेंद्र काल रखा गया, सेकंड पे अमृत काल रखा गया। आपको कोई शुभ काम करना है तो सबसे पहले आप महेंद्र काल पकड़िएगा, महेंद्र काल में काम स्टार्ट करिए। किन्हीं कारणों बस अगर आपको महेंद्र काल नहीं मिल पा रहा है, तब आप जो है अमृत काल को पकड़िएगा। काम में अभी दोनों में होगी, लेकिन जितनी परफेक्ट तेजी से काम में अभी महेंद्र काल में होगी, उससे थोड़ी कम अमृत काल में होगी, इसलिए आप महेंद्र काल में पकड़िए। और एक शब्द और इस्तेमाल हो रहा है बार बार, बाल, युवा, प्रौढ़ा और वृद्ध, इसका क्या मतलब? तो भैया, इंसान के 4 पन होते हैं, वृद्ध, बाल,
यानी पैदा हुआ बच्चा है, इसके बाद जवान हुआ युवा हुआ, इसके बाद प्रौढ़ा हुआ यानी जवान भी हो गया, न बूढ़ा रहा, बीच का अधेड़ हो गया वो हो गया प्रौढ़ा, और वृद्ध माने बुढ़ा। अब आप ये बताइएगा बाल के पास बच्चे के पास कितनी ताकत होती है, ना के बराबर ना। इसी तरीके से वृद्ध के पास कितनी ताकत होती है, वो भी बच्चे के तरीके से ना के बराबर होती है। तो शुभ काम में बाल और वृद्ध को छोड़ दीजिए, काम जो है आप स्टार्ट करिएगा युवा में या फिर प्रौढ़ में, आपका तीन के माफिक आपको सफलता मिलेगी। यह हमारा 40 साल का अनुभव है। तो अब जो है वृद्ध का भी इस्तेमाल किया जाता है और बाल का भी किया जाता है। जब आपको कहीं मजबूरी में फंस जाए, कोई टाइम न मिले, तब आप जो है बाल और वृद्ध का इस्तेमाल करिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर जो है आपकी कोई समस्या है, जैसे तांत्रिक प्रयोग आपके ऊपर किया गया, मारण मोहन उच्चाटन में दूसरा हाथ, या फिर आप हस्तरेखा परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, कुंडली निर्माण, ज्योतिष संबंधित कोई भी समस्या है और गुरु जी से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो इन नंबरों पे आप संपर्क अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 9807-2255-23 व्हाट्सएप नंबर 9807-2255-23। हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एवं जिन जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य जो है ये लिखें कि मुझे बात समझ में आ गई है। जय माता दी।